हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में नींद बहुत ज़्यादा क्यों आती है। बहुत सारी महिलाओं को साथ ये होता है कि उनको प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा नींद आती है। इसका क्या कारण होता है और किस तरीके से हम अपनी नींद को मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारी महिलाएँ ऐसी भी होती हैं जिनको नींद बहुत कम आती है प्रेगनेंसी में, तो उसके क्या कारण होते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत सारी महिलाओं के साथ होता है कि उनको प्रेगनेंसी में बहुत नींद आती है। मुझे भी मेरी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा नींद आती थी। लगभग छठा महीना मेरा, सातवां महीना चल रहा था, तब तक मैं सो ही रही थी पूरे टाइम। जैसे उल्टियाँ आती थी ना, तो मैं उल्टी करने जाती थी और उल्टी करने के बाद आके तुरंत ही सो जाती थी। बस उल्टी करने के लिए उठना और फिर आके तुरंत सो जाना। तो बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि उनको बहुत ज़्यादा नींद आती है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो हार्मोनल चेंज जो हमारे बॉडी में होते हैं जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, तो बहुत सारे हार्मोन जो होते हैं, प्रोजेस्टेरोन होता है, इसके अलावा HCG हार्मोन होता है जो बेबी के प्लेसेंटा से निकलता है। ये सारे जो हार्मोन होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेग्नेंट महिला को नींद आने के लिए। इन हार्मोन की वजह से प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा नींद आती है। इसी के साथ साथ होता है कि जो छोटा सा बेबी होता है, जो फीटस होता है, एम्ब्रियो जिसको हम बोलते हैं, जब बेबी ग्रोइंग स्टेज में होता है, बहुत छोटा सा होता है, और जब वो ग्रो कर रहा होता है, तो क्या होता है कि ये नेचर जो होता है, जो हमारा ब्रह्मांड है, वो भी उस बच्चे को चाहता है कि ये अच्छे से ग्रो करे। तो सारी चीज़ें बच्चे की ग्रोइंग स्टेज में हेल्प करती हैं। इसके लिए क्या होता है कि वो चाहते हैं कि मदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट पे रहे। आजकल का टाइम जो हो रहा है कि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, वो वर्किंग होती हैं, वो लगातार वर्क करती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे दिक्कतें भी आती हैं उनको। इस वजह से क्या होता है कि ये ब्रह्मांड जो है, जो हमारे हार्मोन्स हैं, वो सब चाहते हैं मिलके कि जो बच्चा है वो अच्छे से ग्रो करे, वो अच्छे से बढ़े, जिसकी वजह से माँ को बहुत ज़्यादा नींद आती है। वो चाहते हैं कि माँ जो है वो रेस्ट फेज में चली जाए, थोड़ा सा रेस्ट करे, इसीलिए जो होता है प्रेगनेंसी में नींद आती है। ये मेन कारण होते हैं प्रेगनेंसी में नींद आने के, कि ये बच्चा अच्छे से ग्रोथ करे। इसलिए आपको रेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप रेस्ट करती हैं तो बच्चा अच्छे से ग्रो करता है, और ये लगभग 3 या 4 महीने तक ही रहता है प्रेगनेंसी के शुरुआती टाइम में, ये ज़्यादा रहता है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा नींद कम हो जाती है और आप एक्टिव फील करती हैं। जो 4th-5th महीना होता है, इसमें वॉमिटिंग भी कम होती है, नौसिया कम होती है, आपको जो चीज़ें अभी तक अच्छी नहीं लग रही थी खाने में, वो भी को अच्छी लगने लगती है, तो अब अच्छा टाइम आ जाता है, तो ये नींद भी कम हो जाती है। बच्चा अच्छे से सेटल हो चुका होता है अंदर, अपने आप को ग्रो कर रहा होता है, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ कम हो जाती हैं। इसी के साथ बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा भी होता है कि उनको नींद नहीं आती है, तो ये भी हार्मोनल चेंजेस के कारण ही होता है कि महिलाओं को नींद नहीं आती है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप कर सकती है जिससे कि आपको अच्छी नींद आए। क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी बढ़ती है, डिस्कम्फर्ट्स बढ़ते जाते हैं, जैसे हमारे स्टमक बाहर निकलता है, हमें लेटने में दिक्कत होने लगती है, हमें स्लीपिंग पोजीशन नहीं समझ में आती है, तो इसके लिए आप स्लीपिंग फ्लो का यूज़ कर सकते हैं। पैरों में अगर आपको क्रैम्प हो रहे हैं, स्वेलिंग हो रही है, तो उसके लिए आप गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डाल के थोड़ी देर अपने पैरों को डिप करके बैठे, जिससे आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। सोने से पहले कोशिश करें कि 1-1.5 घंटे पहले आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ करते हैं, जैसे बहुत सारी महिलाएं टीवी देखती हैं, फ़ोन देखती हैं, तो आप कोशिश करें के सोने से 1-1.5 घंटे पहले इनसे दूर रहें और मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से आपको नींद में बहुत हेल्प मिलेगी। इसके साथ ही साथ बच्चे को भी अच्छा फील होता है, बच्चे भी अच्छे ग्रो करते हैं, तो यहाँ पे इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है, प्रेगनेंसी जैसे जैसे बढ़ती है, रात को बार बार टॉयलेट के लिए उठना पड़ता है, जिससे हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। तो यहाँ पे आप दिन में भरपूर पानी पिएं, खूब सारा पानी पिएं, लेकिन सोने से 1-1.5 घंटे पहले पानी को थोड़ा क्वांटिटी में कम कर दे। अगर आपको प्यास लग रही है तो 2-3 सिप लेके पानी पी ले और फिर जाके सो जाए, जिससे कि आपको बार बार टॉयलेट के लिए ना उठना पड़े। तो ये कुछ चीज़ें करके आप अपनी नींद को मैनेज कर सकती हैं, और अगर आपको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है तो आप सो जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है, बच्चे को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।